सो हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? और मैं फाइनल के नंबर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज है दिवाली, सो हैप्पी दिवाली सबको मेरी तरफ से, आपके परिवार को, आपके फैमिली को, बच्चों को। आप लोग का ये साल बहुत अच्छा जाए, आने वाला साल बहुत ही बढ़ोतरी हो। और बाकी मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ कैमरा उठाने में, क्योंकि ना सुबह से बहुत काम था और बैक टू बैक सारे काम लगे हुए थे। ब्रेकफास्ट बनाया था एक्चुअली, जो मेरी हेल्पर है, डोमेस्टिक हेल्पर है, वो कल छुट्टी पे रहेगी, तो मुझे ये था कि मैं मैक्सिमम काम अपना कर लूँ। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट हो गया, मैंने नमकीन सेवैयाँ बनाया था। और जैसा कि दिवाली है कि एक फेस्टिव रहता है, तो पूरी कचौड़ी बनती है। बट हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई थी, मतलब मुझे भी नहीं मालूम, बहुत पुरानी प्रथा के हिसाब से, मतलब प्रथा क्या कह लीजिए, मतलब पुराने में किसी की डेथ हो गई थी, बहुत काफ़ी पहले की बात है। तो जब मैं शादी करके आई तभी से दिवाली, मतलब मुझे मालूम था कि नहीं। तो पूरी कचौड़ी बनती नहीं है, सब्जी बनेगी और पराठे या रोटी जो भी खाना है, मतलब बेसिकली डीप फ्राई वाले, कढ़ाई में जो तले जाते हैं, वो पक्का खाना माना जाता है, तो वो नहीं बनेगा हमारे यहाँ। और बाकी नॉर्मल जो सब्जी है, दाल है, जो बनाना चाहो बनाओ, बस पूरी कचौड़ी जो डीप फ्राई वाली चीज़ है वो नहीं बनेगी। और लेकिन सच बताऊँ, बिना पूरी कचौड़ी खाए ना मज़ा नहीं आती, ऐसी फीलिंग नहीं आती कि कोई फंक्शन है घर में, मतलब कोई त्यौहार है। एनीवेज, तो खाने में मैं किचन में आ गई हूँ और खाने में बना रही हूँ पालक पनीर और सेवई, क्योंकि लास्ट टाइम अभी ना करवा चौथ पे मैंने खीर बनाई थी, तो सुनील को ना थोड़ा सा ना एलर्जी हो जाती है खीर से, तो इसलिए सेवई बना रही हूँ। और एक हमारे यहाँ ट्रेडिशनल सब्जी बनती है सूरन की, पता नहीं किसके किसके यहाँ बनती है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। सूरन की सब्जी पर पुरानी मान्यता है, उसकी सब्जी बननी जरूरी है सूरन की। और सूरन किसे कहते हैं बहुत लोग पूछेंगे, तो मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। तो ये है फ्रेंड सूरन, कौन कौन जानता है इसको, कौन सी है? तो ये सूरन की सब्जी एक बनेगी। तो दो सब्जी बना रही हूँ और सेवई पूरी, जैसा कि मैंने बताया था कि पूरी वगैरह बननी नहीं है, तो मैं मेथी का आटा लगा ली हूँ पराठे सेकने के लिए, और इसके साथ मैं डालूंगी चावल राइस। तो अभी बना लूंगी, जो हमारा लंच रहता है ना दिवाली के दिन, हमारा वही डिनर भी रहता है, क्योंकि शाम को पूजा वगैरह करना रहता है ना, तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि पर्टिकुलर इसको अलग से हम लोग करें। ये समर्थ यहाँ आया है, जल्द ले लो। ये देखो हेलो फ्रेंड्स करने आ गया, इसको इसको मालूम चल जाता है कि मम्मा हेलो फ्रेंड्स कर रही है, हेलो फ्रेंड्स कर रही है मम्मा। और इसको मैं नीचे नहीं दिखाऊंगी, नहीं, इसने अच्छे डायपर पहन लिया, मुझे लगा नंगू पंगू है। अब इसको देखना है कि मम्मा बना क्या रही है। हाँ, दूध बता रहा है, वैसे वही बन रही है ना, तो बता रहा है दूध, दूध है। और चाय कहाँ है, चाय, ये चाय है दूध, जरा इसे ले जा। ये देखो एक साइड बन रही है चाय, एक साइड बन रही है सेवैया, तो सेवई देख के कह रहा है दूध। अच्छा, ये दिया मैंने पानी में निकाल लिया था, जैसा कि सब बोलते हैं ना, खरीद के लाने के बाद पानी में डाल दो ताकि वो सोख जाए, जितना पानी उसमें सोखना हो। और अब मैंने धुल लिया है इसको, काफ़ी देर तक डिप थे। एंड हमारे यहाँ वैसे भी सरसों का दिया तो जलेगा नहीं, तिल का ही दिया जलेगा, तो क्योंकि बताया था कि मनाया नहीं जाता ना उस तरीके से। तो चलिए, 21 दिया मुझे जलाना है, तो मैं अब तो लंच रेडी हो गया है फ्रेंड। ये रही सब्जी सूरन की, पालक पनीर, सेवई, मेथी का पराठा, चावल। तो चलिए लंच, तो मैं बहुत बड़ा काम करके आ गई हूँ और फाइनली मैंने खरीद लिया रंगोली। और ये देखो मैंने शौर के लिए क्या लिया, शौर को आजकल छोटा भीम देखना बहुत पसंद आ रहा है, तो ज़रूर उसको देख के हैप्पी होगा। और कृष्णा बोलेगा मम्मा कृष्णा लगाओ, बोले टीवी में। तो थक गई यार, सुबह से 9 बजी है। चलो देखते हैं क्या क्या काम अभी मुझे करना है, मतलब रंगोली बनानी है। समर्थ सो रहा था जब मैं गई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी उठ ही गया होगा, तो उठ जाएगा तो अभी मैं उससे लंच वंच कराऊँगी और उसके बाद ही मैं शुरू करूँगी ये सब काम। क्योंकि तो रंगोली मैं लाना भूल गई थी, एक दिन पहले मार्केट गई थी पर लाना भूल गई थी, सारे सामान तो मैं लेके आ गई थी। सो
बट मेरा बहुत मन था कि मैं रंगोली बनाऊं। सो लंच करने के बाद मैं गई लेके आई, बट मुझे पूरे सामान नहीं मिले, जो भी इसके छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, जो इसके कॉपी वगैरह होता है उससे डिज़ाइंस काफ़ी अच्छी बनती है, बट वो नहीं मिला। एनीवेज कोई बात नहीं, और मेरा नेट भी काम नहीं कर रहा था कि मैं कोई अच्छे सा डिज़ाइन देख लूँ, बट मुझे लगा कुछ ना कुछ राउंड राउंड कर दो, कोई ना कोई डिज़ाइन तो बनी जाएगी। तो फिलहाल मैंने ऐसे ही राउंड राउंड कर दिया, और ये इतना ज़्यादा ये वाला पैकेट इतना ज़्यादा फट गया है ना कि देखो कैसे कैसे गिरा चला जा रहा है। और मैं मुझे आज भी याद है, मेरे पहने अपनी पहली रंगोली जब मैं 6th क्लास में थी तब मैंने बनाई थी, और मैंने तब मुझे इतना डिज़ाइंस वगैरह भी कहाँ मालूम रहता है, नेट वगैरह भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था, तो मैंने शुभ लाभ लिखा था। तो उसकी फ़ोटो मेरे पास है, मतलब मेरे मायके में है, मैं इस बार जाऊँगी तो लेके आऊँगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि लाइफ की पहली कोई चीज़ ना हमेशा याद रहती है। तो वो मेरी पहली रंगोली थी, और रंगोली भी करीब करीब मेरी बन ही गई है, थोड़ा बहुत मैं और थोड़ा डिज़ाइन बनाऊंगी, बाकी अंदर भी बहुत काम है, क्योंकि अभी चाय वगैरह पीना है, बच्चों को दूध पिलाना है, देन तैयार वैयार होकर पूजा की तैयारी करनी है। तो चलती हूँ मैं अंदर। अब मैं दिए में तेल डाल रही हूँ, और हमारे यहाँ सरसों के दिए नहीं जलते हैं, तिल के दिए में जला रही हूँ, और ये देख सकते हैं तेल मुझसे गिर भी गया एक प्लेट में, सो उसको अगेन मैं दिया में ले रही हूँ। ये छोटे छोटे काम ना दिवाली के, दिवाली मतलब आप जो रहता है छोटे छोटे काम डेकोरेशन के ना, बहुत टाइम टेकन रहते हैं, बस देखने में ऐसा लगता है ना कि बहुत जल्दी हो गया, लेकिन ये सब वाकई बहुत काम टाइम लेते हैं। लेकिन सच बताओ ना, सारे फेस्टिवल में ना सारे फेस्टिवल एक तरफ, दिवाली अलग ही एक फीलिंग देता है, मतलब इतनी पॉश वाइब्स आती है ना, कोई हद नहीं है। तो मैंने साड़ी नहीं पहनी, मैंने सोचा तो था कि मैं साड़ी पहनूंगी, बट यार बहुत थक गई हूँ, मन भी नहीं हो रहा है, और मैं बहुत अच्छी साड़ी पहन भी नहीं पाती हूँ। तो ये मेरा एक गाउन रखा था, तो मैंने सोचा मैं उसी को डाल लेती हूँ। सो हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? फाइनली मैं तैयार हो गई, और ये मेरे चुटकू को देखो, ये रहे। इधर धोती कुर्ता पहन रखा है, और अपने बटन बटन खोल डाल रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन अभी मैं इसको जैकेट पहनाती हूँ। शॉर्ट जैकेट देना मेरे को, ए शॉर्ट जैकेट देना, ये है समर की जैकेट। सो अभी रेडी होकर फिर मिलते हैं, मैं पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ, पूजा अभी मैंने नहीं किया। सो अभी बज रहे हैं 7:15, सो अब मैं जा रही हूँ थाली वाली लगाने पूजा की। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली कर दो, हाय बाय। अच्छा आप भी बोलते हैप्पी दिवाली, ये कौन सी दिवाली थी कि गिर पड़ रहे हो आप? हैप्पी दिवाली नहीं बोल रहे हो, हैप्पी दिवाली बोलो, हैप्पी दिवाली। तो फ्रेंड्स तैयारी हो गई है, ये देखिए, ये मेरे लक्ष्मी गणेश, बहुत जो कि मैं ट्रेडिशनल चीनी मिट्टी ही यूज़ करती हूँ, और समर्थ भी बहुत हैप्पी है। तो ये फ्रेंड्स हम कर रहे हैं पूजा, और पूजा जो है वो लक्ष्मी पहले गणेश की आरती करेंगे, और आरती के बाद ही हम दिया जलाएंगे। एक्चुअली हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, लक्ष्मी गणेश की आरती के बाद ही दिया सारा जलाते हैं, और मैंने नीचे अलग से नहीं रखा है, चौके पे ही रख दिया लक्ष्मी गणेश। जनरली हमारे यहाँ आंगन में प्रॉपर पूजा होती है, लेकिन अब आंगन तो आजकल मिलते नहीं हैं, तो मैंने मंदिर के नीचे ही ऐसे ही थोड़ा सा लक्ष्मी गणेश को रख दिया है। और पूजा का जो टाइमिंग था वो 7:30-7:35 के आसपास का था, तो हमने 7:20 से शुरू कर दिए थे, बैठ गए थे, तो धीरे धीरे वो टाइमिंग हो ही गया था। और यहाँ पे जो है आज हवा थोड़ा ज़्यादा चल रही थी, तो कैंडल वैंडल भी बुझने के लग रहे थे आसार, लेकिन यह है कि जब मैंने जलाना शुरू किया तब इतना। ये आरती और पूजा हो गई हमारी, और अब मैं जला रही हूँ दिया। ये सारे दिए जला करके हर रूम में और किचन में, वॉशरूम में, सब जगह रखे जाते हैं, बालकनी में। और पूजा हो गई, दिए सारे जल गए हैं, और सारे दिए कितने अच्छे लग रहे हैं टिमटिमाते हुए। वाकई दिवाली की अपनी अलग ही एक रौनक रहती है घर पे। तो चलें दीवे रख देते हैं, और समर्थ जी मोबाइल में इंगेज हैं।
और ये देखो मेरी किसी ने रंगोली ख़राब कर दी। अभी जैसे ही मैं दिया रखने बाहर आई तो देखी रंगोली किसी ने ख़राब कर दी है। चलो चलो अंदर आओ, चलो आओ। ये समर्थ जिद दिखाया है, बाहर चलो बाहर चलो। बाहर कहाँ चलना है? बाहर नहीं, बोलो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। दिवाली कहाँ है? दिवाली हैप्पी दिवाली। हाय करो, हाय बाय बाय बाय। क्यों समझ यम यम है यमी। सो फ्रेंड दिया पूजा हो गई है और इस समय बज रहा है 8 और समर्थ भी काफ़ी परेशान कर रहा है, तो मैं सोची इसके कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और श्योर हमेशा एज यूजुअल अपना फेवरेट काम कर रहा है। अभी क्या करना है, कोरोना है तो कहीं जा भी नहीं सकते हैं, और इस बार तो वैसे भी पटाखे वगैरह बैन हो गए तो वैसे भी नहीं कल कहीं चलाने नीचे जाना है। खाना तो वैसे ही बताया था मैंने कि सुबह जो बना था हमारे यहाँ वही रात में भी बनाया खाया जाता है, क्योंकि शाम को मेन पूजा का रहता है, दिन का ही हमारा जो खाना रहता है वो मेन रहता है। तो चलते हैं, अभी किसी कोई हमें बोला था हमारे घर आने के लिए, देखते हैं उसका इंतजार कर रहे हैं, और अगर पॉसिबल हुआ तो मिलाऊंगी, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग फिर लंबा हो जाएगा। और कैसी रही आपकी दिवाली मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा। है पेड़ा, और पेड़ा ये ब्लॉग कैसा रहा ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। लाइक कीजिएगा, पहले मुंह को फिनिश करो, मुंह का फिनिश करो। नो अभी उगल दोगे आप, पहले फिनिश करो। एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली।